नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। मेष लग्न में ग्रहों का असर। अलग अलग लग्न में स्थित होने पर ग्रह हर राशि को अलग अलग फल देते हैं। तो आज आपको बताते हैं किस राशि में कौन से लग्न का ग्रह क्या फल देता है। शुरुआत करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न का स्वामी मंगल है। इस लग्न में मंगल लग्नेश और अष्टमेश होता है। गुरु सूर्य चंद्र इस लग्न में कारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं। बुध शुक्र और शनि मेष लग्न में अकारक और अशुभ ग्रह का फल देते हैं। मेष लग्न में लग्नस्थ सूर्य का फल। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है। त्रिकोण का स्वामी होने से सूर्य इनके लिए शुभ कारक ग्रह होता है। लग्न में सूर्य की उपस्थिति से व्यक्ति दिखने में सुंदर और आकर्षक होता है। इनमें स्वाभिमान एवं आत्मविश्वास होता है। शिक्षा की स्थिति अच्छी होती है। ये अपनी बातों पर कायम रहते हैं। कभी कभी अकारण विवाद में भी उलझ जाते हैं। पिता से सहयोग प्राप्त होता है। जीवन के उत्तरार्ध में पिता से विवाद होने की भी संभावना रहती है। आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। सूर्य अगर पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं हो तो सरकार एवं सरकारी पक्ष से लाभ मिलने की संभावना रहती है। सूर्य के प्रभाव से संतान सुख प्राप्त होता है। सूर्य अपनी पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव में स्थित शुक्र की तुला राशि को देखता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होता है, परंतु कभी कभी अनबन होने से गृहस्थ सुख बाधित होता है। मेष लग्न में लग्नस्थ चंद्र। चंद्रमा मेष लग्न की कुंडली में सुखेश होता है। प्रथम भाव में इसकी स्थिति होने से व्यक्ति शांत प्रकृति का परंतु चंचल होता है। कल्पनाशील और भोग विलास की इच्छा रखने वाला होता है। इन्हें माता और मातृ पक्ष का सहयोग प्राप्त होता है। भूमि भवन एवं वाहन सुख प्राप्त होता है। प्रकृति एवं सौंदर्य के प्रति ये स्वतः आकर्षक। शीत रोग जैसे सर्दी जुकाम एवं कफ से पीड़ित होते हैं। छाती संबंधी रोग की भी संभावना रहती है। धन की स्थिति अच्छी होती है। सरकार एवं सरकारी पक्ष से लाभ होता है। सप्तम भाव में स्थित तुला राशि पर चंद्र की दृष्टि के कारण इनका जीवन साथी गुणवान कला प्रेमी और सहयोगी होता है। मेष लग्न में लग्नस्थ मंगल। मेष लग्न की कुंडली में मंगल लग्नेश और अष्टमेश होता है। लग्नेश होने से मंगल अष्टम भाव के दोष से मुक्त होता है। मंगल लग्नस्थ होने से व्यक्ति हृष्ट पुष्ट स्वस्थ और निरोगी होता है। मंगल इन्हें पराक्रमी और साहसी बनाता है। इनमें उग्रता और जिद्दीपन होता है। अपने आत्मबल से कठिन कार्य को पूरा करने का सामर्थ्य रखते हैं। समाज में सम्मानित और प्रतिष्ठित होते हैं। कमजोरों के लिए इनके हृदय में दया का भाव होता है। धर्म के प्रति आस्थावान होते हैं। मंगल अपनी पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ सप्तम एवं अष्टम भाव को देखता है। इसके कारण भूमि एवं वाहन सुख प्राप्त होता है। दुर्घटना की भी संभावना रहती है। जीवन साथी से वैमनस्य होता है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन का सुख प्रभावित होता है। अगर मंगल दूषित होता है तो सुख में कमी आती है। मेष लग्न में लग्नस्थ बुध। बुध मेष लग्न की कुंडली में अकारक और अशुभ ग्रह होता है। यह इस लग्न की कुंडली में तृतीय और छठे भाव का स्वामी होता है। बुध जब लग्न में विराजमान होता है तो व्यक्ति को बुद्धिमान एवं ज्ञानी बनाता है। शिक्षा के प्रति इनमें अभिरुचि होती है। लेखन एवं कला के क्षेत्र में अच्छी संभावना होती है। बुध की दशावधि में सगे संबंधियों से विवाद अथवा मन मुटाव होता है। षष्ठेश बुध के प्रभाव से पेट संबंधी रोग, मिर्गी अमाशय जन्य रोग एवं भूलने की बीमारी होने की आशंका रहती है। व्यापार में इन्हें अच्छी सफलता मिलती है। सप्तम भाव पर बुध की दृष्टि संतान के संबंध में कष्ट देता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सप्तमस्थ तुला राशि पर बुध की दृष्टि से जीवन साथी गुणी होता है। वैवाहिक जीवन सामान्य रहता है। मेष लग्न में लग्नस्थ गुरु। मेष लग्न की कुंडली में गुरु भाग्येश और
व्ययेश होता है। द्वादश भाव का स्वामी होने से गुरु अकारक और अशुभ फलदायी होता है, लेकिन त्रिकोण का स्वामी होने से इसका अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है और यह शुभ कारक ग्रह बन जाता है। मेष लग्न की कुंडली में गुरु के लग्नस्थ होने से व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है। इनकी वाणी प्रभावशाली और ओजस्वी होती है। गुरु इन्हें समाज में सम्मानित और प्रतिष्ठित बनाता है। लग्नस्थ गुरु पंचम, सप्तम एवं नवम भाव को देखता है। इसके प्रभाव से संतान सुख प्राप्त होता है। धार्मिक कार्यों में अभिरुचि होती है। शत्रु ग्रह की राशि तुला से दृष्टि संबंध होने के कारण जीवन साथी से मनमुटाव रहता है। मेष लग्न में लग्नस्थ शुक्र। मेष लग्न लग्न की कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश होता है। इस लग्न की कुंडली में यह कष्टकारी और रोगकारक ग्रह की भूमिका निभाता है। लग्न में इसकी उपस्थिति होने से व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, परंतु स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर पीड़ित होता है। शुक्र की दशावधि में इन्हें विशेष कष्ट होता है। विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति इनमें विशेष आकर्षण होता है। इस आकर्षण के कारण इन्हें कष्ट भी होता है। धन की हानि होती है। संगीत एवं कला के क्षेत्र में इनकी अभिरुचि होती है। प्रथमस्थ होकर शुक्र प्रथम भाव में स्वराशि तुला को देखता है, जिससे जीवन साथी सुंदर और विनोदी स्वभाव का होता है। इनके प्रति प्रेम रखता है, परंतु अपनी आदतों के कारण वैवाहिक जीवन का सुख प्रभावित होता है। मेष लग्न में लग्नस्थ शनि। मेष लग्न की कुंडली में शनि कर्मेश होने से शुभ किंतु आयेश होने से अशुभ कारक हो जाता है। इस लग्न की कुंडली में शनि की उपस्थिति होने से व्यक्ति दुबला पतला एवं क्रोधी होता है। ये परिश्रमी होते हैं। मेहनत के अनुसार लाभ नहीं मिलने से असंतोष बना रहता है। कार्यों में बाधाओं का सामना करना होता है। धन की स्थिति सामान्य रहती है। लग्नेश शनि तृतीय, सप्तम एवं दशम को पूर्ण दृष्टि से देखता है, जिसके कारण मित्रों एवं सगे संबंधियों से अपेक्षित सहयोग मिलने में कठिनाई आती है। नौकरी एवं व्यापार में अस्थिरता बनी रहती है। जीवन साथी से वैमनस्य होता है। अगर शनि शुभ ग्रह से युत अथवा दृष्ट होता है तो शुभ परिणाम प्राप्त होता है। मेष लग्न में लग्नस्थ राहु। राहु मेष लग्न की कुंडली में लग्नस्थ होने से व्यक्ति में आत्मविश्वास का अभाव होता है। पेट संबंधी रोग से परेशान होता है। जीवन में काफी संघर्ष करना होता है। नौकरी एवं व्यापार में सफलता के लिए काफी परिश्रम करना होता है। व्यापार की अपेक्षा नौकरी में अधिक सफलता मिलती है। प्रथमस्थ राहु सप्तम भाव में स्थित तुला राशि को देखता है, फलतः साझेदारों एवं मित्रों से अपेक्षित सहयोग का अभाव होता है। जीवन साथी रोग से पीड़ित होता है। गृहस्थ जीवन का सुख प्रभावित होता है। मेष लग्न में लग्नस्थ केतु। मेष लग्न की कुंडली में केतु लग्नस्थ होने से व्यक्ति शारीरिक तौर पर शक्तिशाली होता है। आमतौर पर ये स्वस्थ और निरोगी होते हैं। इनमें साहस और आत्मविश्वास होता है, जिससे शत्रु वर्ग इनसे भयभीत रहते हैं। समाज में सम्मान एवं यश प्राप्त होता है। राजनीति और कूटनीति में सफल होते हैं। माता एवं मातृ पक्ष से सहयोग प्राप्त होता है। जीवन साथी एवं संतान पक्ष से कष्ट की अनुभूति होती है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।